आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज का एजेंडा लेकर, कल अमृतसर में ग्रेनेड हमला हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, करीब 20 लोग जख्मी हो गए। पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद दस्तक देते हुए किस तरीके से देश को परेशान कर रहा है, ये देखने को मिला था कल। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक HS फुल्का को इसमें सेना प्रमुख की साजिश नजर आ रही है। फुल्का ने कहा है कि हो सकता है इस हमले में सेना अध्यक्ष का हाथ हो। दरअसल जनरल बिपिन रावत ने ये कहा था हाल के दिनों में कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उठा सकता है, और इसी बात को आधार बनाते हुए फुल्का ने बेहद बेतुका बयान दिया। विवाद बढ़ने के बाद फुल्का ने अपने बयान पर खेद जताया। अमृतसर में निरंकारी भवन पर ग्रेनेड हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये पंजाब को फिर से सुलगाने की साजिश तो नहीं है। लेकिन देश में ही सेना प्रमुख पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद दिला दें कि जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इसे फर्जी करार दिया था। अरविंद केजरीवाल ने तो इसके सबूत तक मांग लिए थे, तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो सेना प्रमुख की तुलना सड़क के गुंडे से कर दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार से सबूत मांगते हैं और अब उन्हीं के विधायक सेना पर आतंकी हमले का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के विधायक HS फुल्का ने शक जाहिर किया है कि अमृतसर के निरंकारी भवन पर हुए हमले में भारत के सेना प्रमुख का हाथ हो सकता है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੁਲਕਾ ਕਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੀਏ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, जिसमें जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि पंजाब में आतंकवाद के हालात लौटने का खतरा है। पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहां पे आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया था। इतनी जल्दी क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ की जनता ने उसको रोका। जो पड़ोसी देश है वो कोशिश करता रहता है यहाँ का माहौल बिगाड़े। हमारा देश उन्नति कर रहा है जो किसी को पसंद नहीं आता। केजरीवाल के विधायक के बयान की बीजेपी और कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है और उन पर आतंकी संगठनों से साठगांठ का आरोप लगाया है। इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और अभी कोई खास किसी को बात नहीं करनी चाहिए। जैसे फुल्का ने कह दिया अब तो माफ़ी मांग दी तो मामला बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसी बातों को कहना नहीं चाहिए। हमारी आर्मी हमारे लिए लड़ रही है और किसी भी कोई भी कुछ सूचना दे दें तो थोड़ा पहले चेक करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी की पार्टी बन गई है। तब जो पार्टी हड़बड़ी में गड़बड़ी का बन गई है तो वो इसी तरह की गड़बड़ियाँ करेंगी, क्या कर सकते हैं उनका। HS फुल्का ने देश का जो हमारा गौरवमय इतिहास है उनको कलंकित करने की कोशिश की है और हमारे सेना के मुखी के खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये जो बम धमाका अमृतसर में हुआ है वो सेना मुखी ने करवा दिया। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। FIR दर्ज करवाई है कि जो फुल्का जी ने देश का गौरवमय इतिहास कलंकित करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। HS फुल्का पंजाब की दखा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, हालांकि वो विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं जो अभी स्वीकार नहीं हुआ है। अपने बयानों पर फंसने के बाद फुल्का ने सफाई दी है कि उनका मकसद सेना पर आरोप लगाना नहीं था बल्कि वो कांग्रेस को बेनकाब करना चाहते थे। मैं तो वो कह रहा था कि जो कांग्रेस की आदत है अब भी कहीं वही वैसी प्लान ना हो कि इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो इसलिए पूरी जांच की जाए। किसी तरह से उनको ब्लेम करना नहीं था, मेरा मतलब जो कांग्रेस को एक्सपोज करना था। सेना के अपमान की सियासत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा था। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने सरकार से सबूत मांगे थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सेना का अपमान करना विपक्ष की आदत सी हो गई है? मोदी विरोध में विपक्ष का सेना प्रमुख पर निशाना, क्या ये केजरीवाल के विधायक की अपमान वाली सियासत है?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि क्यों नहीं देश पहले है ये सोचा जाता है। आप देश में रहते हैं, देश के खिलाफ बयान दे देते हैं, सेना के खिलाफ बयान दे देते हैं, माफी मांग ली जाती है, और क्या माफी मांग लेने भर से काम पूरा हो जाता है? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। पल्लवी शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीपाल सिंह हमारे साथ है, फॉर्मर आईजी पंजाब पुलिस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हमारे साथ गुलरेज शेख भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या एक ट्रेंड सा बन गया है कि कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो सेना को टारगेट कर दो, सेना का नाम ले लो? देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं एचएस फुलका जी, इनके बयान को स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स पॉसिबल में कंडेम करती है। मुझे लगता है ये राजनीति का एक बहुत निचला स्तर है जिसपे आप आर्मी के जो चीफ है डायरेक्ट उन पे आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धरता है केजरीवाल जी, उन्होंने तो सामने आके मीडिया से इस बयान पे ना कोई बातचीत की है, ना देश से माफी मांगी है इस पे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, अहम जो टेरर अटैक्स हुए जिन पे ये बयान आया है, देखिए बहुत दिनों से जो आर्मी चीफ थे वही अपनी स्टेटमेंट्स में इंडिकेट कर रहे थे, और स्टेट को भी ऐसा इनपुट था कि ऐसे अटैक्स कैरी आउट होने वाले हैं, इसीलिए स्टेट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, पोस्टर्स लगा दिए गए थे, हर प्रिकॉशनरी मेथड ले लिया था स्टेट ने। तीसरी अहम बात, देखिए हमने बहुत बार सुना है इस सरकार को बोलते हुए कि डीमोनेटाइजेशन का मेन मुद्दा यही था कि टेरर अटैक्स जो है, टेरर फंडिंग जो है, वो कब डाउन हो जाएगी। आज उस पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, आज इस बात पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपका सवाल लूंगी। इस बात पे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी क्या है। अरे तो आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही हैं, सरकार की बात कर रही हैं, मैं तो एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आपसे कह रही हूं। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की कि हाँ भाई सरकार के पास इनपुट्स थे, इनपुट्स प्रोवाइड किए जा चुके थे, कैसे जाकिर मूसा के जो इश्तियार थे वो हर जगह देखने को मिल रहे थे। तो पल्लवी, फिर तो सवाल ये भी उठता है ना कि क्या कर रही थी वहां पर सरकार, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और चूंकि स्टेटमेंट यहां पर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी स्टेटमेंट आते रहे हैं जिसमें यहां तक कि सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा तक बोल दिया गया। देखिए, अब आप ये जो टेरर अटैक्स हुए हैं, अब आप इनको किसी भी पिछले स्टेटमेंट से लिंक करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी है। दूसरा जो आपका पहला सवाल था कि स्टेट क्या कर रही थी, तो आर्मी चीफ का खुद का बयान है आज का या कल शाम का है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, और वो पर्सनली देख रहे हैं कि ये जो टेरर अटैक्स है, इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर तरह से सहयोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आर्मी चीफ का खुद का बयान है पंजाब के चीफ मिनिस्टर। जब मैं ये पूछ रही हूँ ट्रेंड सा बन गया है, तो आप कह रही हैं कि इस तरीके के बयान कैसे दिए जा सकते हैं, पिछले बयानों को क्लब करते हो। मैम, दरअसल सेना का जो एक मनोबल है ना, वो ऊंचा रखने की जिम्मेदारी सारी राजनीतिक पार्टी की है। इसमें सभी को अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हमने जब किया तो अब आप क्यों बता रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये बड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, मुझे लगता है कि उतनी गंभीरता से इसको लिया नहीं जाता है। के सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई बयान देता है तो क्या सोच समझ के बयान नहीं देता है, या सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध करना है इसलिए बयान दे देते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी हो? देखिए श्वेता जी, इस देश का दुर्भाग्य हो चुका है, और ये अब तो रूटीन बन चुका है कि देश की सिक्योरिटी अखंडता के ऊपर में ऐसे बेतुके बयान, ऐसे एक्ट जिसमें कि दुश्मन के जो चीफ है उसके जाके गले लगना, और फिर अपने जो कुर्बानियां दी हैं उसको नीचा दिखाना, चीफ के ऊपर सवाल करना, चीफ ने क्या बताया, ये तो जग जाहिर है, आप कहीं पर जाइए तो एब्सोल्युटली ओपन डोमेन में है। ऑपरेशन एक्सप्रेस ISI लॉन्च कर चुका है 2015 में। ऑपरेशन एक्सप्रेस का एक्चुअल है रेफरेंडम 2020, जिसकी आगाज 2014 में US में हुआ था, और उसके बाद इसके ऊपर में ISI कूट पड़ा है। और आपको जानकर को मिलियन डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान अपना पूरा बैंक करप्ट होकर इसके लिए ईयरमार्क किया है। और देखिए इसके ऊपर में बहुत बड़ी उनकी जो मेन ये है कि वो दो हाथ जोड़ रहे हैं, वो है खालिस्तान के, चाहे उसमें 5 लीडर हैं और 5 फोर्सेस हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन टाइगर, और इनके जो 6 बड़े नेताज हैं जिनको सब जानते हैं, बदाविन सिंह चाचा,
ठेकेदार इनके नाम दिए गए हैं, कोड वर्ड्स दिए गए हैं, और ये पंजाब के बोथ नॉर्थ में और साउथ में, जो आपने सुना, जो आपने एक नाम लिया जाकिर मूसा, जाकिर मूसा कहां आया है? वो सियालकोट के इलाके में, नॉर्थ में, वो सियालकोट से, और वहां पर उसको डील कर रहा है, सबको पता है इंटेलिजेंस, रंजीत सिंह निट्टा। केके सिन्हा जी, ये तो कल आईबी ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें क्लियर ये बताया गया है कि किस तरीके से इन्हीं लोगों को, खालिस्तान समर्थित लोगों को ही सपोर्ट किया जा रहा है, आईएसआई कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाते हुए अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन सर, रोकेंगे कैसे? मैं आपके पास फिर से रोकूंगी। सी पाल सिंह जी, आपसे जरा मैं समझना चाहती हूँ सर, 1978 तो मुझे फिर से लगता है दोहराने की कोशिश हो रही है, ये वही वक्त था जब आज से 40 साल पहले किस तरीके से उग्रवाद की शुरुआत हुई थी, और तब भी हमने देखा था निरंकारी भवन पर ही अटैक करके ये किया गया था। क्या फिर से वही चीजें करने की कोशिश पंजाब में? मैं समझता हूं कि ये चिंगारे जो है, चिंगारियां छोटी छोटी कई महीनों से चल रही हैं। इन चिंगारियों को आपने कॉन्फ़िगरेशन में कभी बदल सकती है, लेकिन हुआ क्या, फरवरी में जब ये जाकिर मूसा को अलकायदा का एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन यहां पर खड़ी की, गजावत हिंद, उसका इसको चीफ बनाकर यहां भेजा गया, और इन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद, हिजब मुजाहिदीन, लश्कर तौबा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी सारी इनको एलिजियंस होगी, इनके साथ रहेंगी, इनको सपोर्ट करेंगे। तो जो जेएनके की ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सपोर्ट किया। फिर कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान मूवमेंट की है वो भी इनको सपोर्ट करेंगे। तो जैसे खालिस्तान मूवमेंट का आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बहुत से जो अंसर हैं, मॉड्यूल, वो बाहर जा चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज में एंड ऑल्सो इंग्लैंड में। नाम कुछ इन्होंने बताए हैं, ये सारे के सारे पुराने नाम हैं, वधावा सिंह, ये वो सारे जो, और खास तौर पर बब्बर खालसा इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत ज्यादा इनके साथ रहा है जोड़ मेल। बब्बर खालसा के आदमी पहले ट्रेन भी लाहौर में हुए, बाद में बब्बर खालसा के वहां। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि इनको वार थिएटर या टेररिस्ट थिएटर टू स्टेट्स में बनाओ, पंजाब में और जेएनके में, और उसको मद्देनजर। अब मैं आपको थोड़ा सा, गिव मी टाइम जी। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया फरवरी से लेकर, उसके बाद एनआईए ने एक इन्वेस्टिगेशन की पंजाब में, वहां से कई जो हिंदू शर्मा मारे गए थे यूपी जलंधर में, वो सब इन्वेस्टिगेशन से यह साबर हुआ कि इसके साथ आईएसआई का जोड़ बना, कि वो तो चाहते ही आईएसआई। उसके बाद जब 2-3 स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए शाहपुर में टेक्निकल कॉलेज से, उनको जब पंजाब पुलिस ने इंटेरोगेट किया, उन्होंने अपना लिंक बताया कि हमारा लिंक इनके साथ है। ये उसके बाद मूसा की तस्वीर लगाकर ये मैं आपको, अब आप आया, मैं ये कहता हूं इतना खबर हमको थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। अब सेकंड पार्ट है, इसमें एक्शन नहीं हुआ वो बात में कर, लेकिन मैं, आपने सवाल दूसरा किया था आर्मी जनरल की स्टेटमेंट का, मैं तो ये समझता हूं, मैं भी बहुत देर, बहुत ही ज्यादा टेररिस्ट के बीच में, हेडेज ऑफ टेररिज्म में रहा हूं, मैं समझता था ये सबको पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, एनआईए की रिपोर्ट थी, पंजाब पुलिस की रिपोर्ट थी, और जनरल साहब ने जो ये स्टेटमेंट एक्चुअली दी, ये स्टेटमेंट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में उन्होंने बताया कि इस तरह से पंजाब में, और अपनी चिंता जाहिर करना, उसको मद्देनजर रख के ये कहना उन्होंने ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये नहीं होना चाहिए, किया जा रहा है, तो भाई इसमें तो कुछ ऐसा गलत है नहीं। लेकिन मैं एक स्टेप और देखिए, दे आर शोइंग ए स्नूक टू यू, दे आर शोइंग ए स्नूक एज ए थंब एट यू, कि आपके जनरल ने भी बताया, एनएनए ने बताया, आगे हम फिर भी कर गए आपके सामने, किस पद पर है इस चीज को, बड़ा बड़ा तहम्मुल बताने से कोऑर्डिनेटेड बैठ के होना चाहिए था, पॉलिटिक्स करनी है, स्टेटमेंट देना है, इसलिए स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और फिर क्या जाता है, बाद में माफी मांग ली जाती है। स्टेटमेंट देना ऊपर है, और ऐसे में देश के अहम मसलों पर कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारे साथ गुलरेश शेख भी है। गुलरेश शेख, मुझे बताइए कि ठीक है राजनीति की जा रही है, कोशिश यही है कि इस मामले को भी भुना लिया जाए, लेकिन क्या इस बीच जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसमें देश को ध्यान में नहीं रखा जाता है? कैसे ऐसे सेना का मनोबल कायम रखा जाएगा? कैसे ऐसे बताया जाएगा कि नहीं हम सब एक है, और अगर कोई भी छोटा हमला भी होता है, बड़ा हमला भी होता है, तो उसका जवाब मिलकर दिया जाएगा?
देखिए श्वेता, ये बहुत ही खतरनाक और चिंताजनक विषय है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हमारे जो ब्रेव हार्ट थे सोल्जर्स थे उनके मॉरल डीमोरलाइज किए जा रहे हैं, उनके मॉरल डाउन किए जा रहे हैं। कभी उनको, कभी सेना के अध्यक्ष को दिल्ली का गुंडा कहा जाता है, कभी जेके के पुराने मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि एक आतंकवादी को मारते हैं कश्मीर में तो सेना 20 सिविलियंस को मारती है। अभी आज क्या जो इन्होंने कहा ने, वो क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना के जो अध्यक्ष हैं क्या आतंकवादी हैं, क्या इस प्रकार से किसको मदद कर रहे हैं ये, क्या ये पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भारत समर्थक इस वक्त थोड़ा बोलने दे मुझे इस पर। क्या ये लोग पाकिस्तान की सहायता करना चाहते हैं जो हमेशा बार बार कहता है कि हमारे यहाँ जो भी समस्याएं होती है वो इंडियन आर्मी और रॉ करवाते हैं। और यदि केजरीवाल जी इस पर ये उनके ऑफिशियल लाइन है। प्लीज सुनिए, देखिए श्वेता जी, मैं ये कहता हूँ आप आर्मी चीफ को गुंडा कह दीजिए, मार दीजिए, बोलिए खुद, मगर ये सिक्योरिटी इशू है, मैं इसलिए आपको बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान इसका कैसे फायदा उठाएगा, फुलका जी का और जो सिद्धू जी के गले लगने का, मैं आपको बताता हूँ कैसे उठा रहा है और क्यों जो इन्होंने सिंह साहब ने उठाया बात क्यों। पल्लवी मैं आपको मौका देती हूं, एक बार बोलने दीजिए। देखिए ये चीजें मैं तूतो मैमे की नहीं है, सिक्योरिटी इशू है और लोग मर रहे हैं। एक बात मुझे खत्म करने की, देखिए पूरे पंजाब के अंदर में जिस तरह से ड्रग कटेल आ गए हैं, किस तरह से पूरे गैंगस्टर और स्लीपिंग सेल जाग गए, आपने कहा ना पूरे इंटेलिजेंस होने के बाद भी हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड हैं, मेंटली हम डिवाइड हो चुके हैं। कोई भी इसको, अमरिंदर सिंह मेरे रेजिमेंट, मैं भी सिख रेजिमेंट का हूं, वो मेरे रेजिमेंट के ही वो चीफ मिनिस्टर है, वो एब्सोल्युटली डिटरमाइंड है, मगर पॉलिटिक्स उनको वो नहीं करने देती है जो कि करना चाहते हैं, जो इसको तोड़ना। और ये इतना डेंजरस ट्रेंड है, आपको ये पता होगा केवल 5 मिलियन जो ये हैं सिख हैं 20 कंट्री के अंदर में, उसको जो जो सिख फॉर जस्टिस उसको टारगेट कर रही है, उसमें से 80,000 ने रेफरेंडम में अभी तक दिखाया है कहीं पर हैं, मगर पूरे पंजाब ने इसको नकारा कर दिया है, सिखों ने नकारा किया है, चाहे यूके में कनाडा में, मगर कौन इसको हवा दे रहा है, ये फुलका इसको सिद्धू इनको हवा दे रहे हैं और ये जाने अनजाने में अपने कुर्सी के लिए कर रहे हैं, देश के साथ द्रोही कर रहे हैं। कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभयनाथ झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभयनाथ झा जी, क्यों साथ दे रहे हैं आप लोग उन लोगों का जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश में हमला कर रहे हैं? अभिनाथ झा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। पल्लवी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि एक विषय बड़ा अहम हो जाता है, जब भी हम देश की बात करते हैं तो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉलिटिक्स करना जरूरी हो जाता है, इसलिए पॉलिटिक्स की जाती है, इसीलिए स्टेटमेंट दे दिया जाता है, देश किनारे पॉलिटिक्स ऊपर। देखिए मैं जिस भी डिबेट पे गई हूँ मैंने यही बोला है और कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि यही मौका है बाईपार्टिसनशिप दिखाने का, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस लीडर एक साथ आए और दिखाए कि जब टेररिज्म की बात आती है वी स्टैंड यूनाइटेड, वी स्टैंड हम एक वी स्टैंड एज वन एज अ कंट्री। ठीक है, ये कहने के बावजूद मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे सिन्हा साहब ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही और उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी का मसला है, इसमें पॉलिटिक्स और तूतू मैमे नहीं होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक पॉलिटिकल बाउंसर मार दिया। उन्होंने सिद्धू जी की बात की कि सिद्धू जी ने वहां भाई अमरिंदर सिंह ने मना उसको बोला सर नहीं, देखिए हमारे हमारे शहादत के ऊपर में अमरिंदर सिंह ने बोला है गलत है ये, तो उसको ये क्यों नहीं सपोर्ट करती है यहाँ से, अमरिंदर सिंह के हाथ को क्यों नहीं सपोर्ट।